अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो एंड सत श्री अकाल, वेलकम टू लखनऊ का जायका। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बड़े के पाए की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो इसका जायका आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और इसे आपके घर वाले बार बार बनाने के लिए कहेंगे। तो जी, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल लखनऊ का जायका को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जी चलिए पाए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने दो पाए लिए हैं और तो ये देखिए पाए हमारे कुछ इस तरीके से कट पीस हैं और कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम इसे इस छन्ने में रखेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इसके बाद अब मैं यहाँ पर एक प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी। तो ये कट पीस आप देख लें। तो चलिए अब यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर में ऐड करूँगी ये पाए। तो सारे पाए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसे फाइनली चॉप कर लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 2 से 3 तेज पत्ते ऐड करेंगे, कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे, ये ऑलरेडी स्क्रीन पर मेंशन है, आप प्लीज़ इसे चेक कर लें। तो ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी नमक। तो 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है, इसे हम मिक्स करेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 लीटर के करीब पानी ऐड कर दिया है। तो ये कुल 2 किलो पाए थे तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है, इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका प्रेशर लगा देंगे और 2 से 3 वेसल आने तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। तो जी चलिए हम इसका प्रेशर लगा देते हैं। अब इसके बाद हमें प्याज का पेस्ट बनाना है। तो 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसे मैं हम मिक्सी जार में ऐड करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। तो चलिए ये भी ऐड कर देते हैं। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसका एक अच्छा सा प्यारा सा पेस्ट बना लेंगे। तो जी लीजिए तैयार है बिल्कुल बारीक सा पेस्ट। तो ये देख लें कुछ इस तरीके से मैंने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया है। तो चलिए अब पाए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और 1/2 कप के करीब मैं यहाँ सरसों का तेल डालूँगी। तो पाए बनाने के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, इससे इसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन और प्याज के पेस्ट को ऐड कर दिया, इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और इससे तेल भी काफ़ी ज़्यादा सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर 1/2 कप के करीब दही ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ज़ाफ़रानी गरम मसाला। तो जी ज़ाफ़रानी गरम मसाले की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो आई बेल बटन या फिर डिस्क्रिप्शन पर आप चेक कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुल 1 चम्मच के करीब ज़ाफ़रानी गरम मसाला ऐड किया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी पाया मसाला। तो जी पाया मसाले की भी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो आई बेल बटन या फिर डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं। इसे कुल मैंने 2 चम्मच के करीब ऐड किया है और इसे हम 5 मिनट के लिए भूल लेंगे। तो जी यहाँ पर मेरे पाए भी अच्छे से गल चुके थे, ये देखिए मैंने इसका प्रेशर भी खोला हुआ है और इसे मैंने चेक किया है तो कुछ इस तरीके से ये हमारे गले हैं और माशाल्लाह काफ़ी प्यारे ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो ये देखिए मसाले भी यहाँ हमारे भुन चुके थे तो मैंने पाए को उस स्टॉक से अलग कर लिया और इसके बाद मैंने पाए यहाँ ऐड कर दिए। तो अब हम पाए को 5 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए पाए हमारे अच्छे से भून चुके हैं और इससे ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा सेपरेट हो चुका है और मसाले भी हमारे काफ़ी अच्छे माशाल्लाह खुशबूदार लग रहे हैं, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1/2 लीटर के करीब पानी और पानी ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए पाए को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जो स्टॉक हमारे बचे हुए थे वो भी मैं ऐड कर दूंगी और इसमें जो भी हमने मसाले डाले थे इसे हम फेंक देंगे। तो ये देखिए हमारे नीचे के मसाले बचे हुए थे
अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 चम्मच के करीब नमक। तो नमक ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारे अभी पाए कुछ इस तरीके से हैं, ग्रेवी कुछ इसकी कुछ इस तरीके से है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 चम्मच के करीब पाया मसाला, और यहाँ जो भी मैंने अभी पाए की नली अलग सेपरेट करके रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मसाले के साथ मैंने इसे नहीं भुना है, इसे मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद हम इसे भी मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ कुछ मैंने हरे मसाले बारीक काट करके रखे हैं, तो हरी मिर्ची, हरी धनिया और जूलियन अदरक, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर सोया भी कट किया हुआ है। सोया पाए में डालें, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो चलिए अब हम सारे हरे मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया है हरी मिर्ची, इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी हरी धनिया, और इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी जूलियन कटे हुए अदरक और सोया। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे हरे मसाले ऐड कर दिए हैं, और इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तो ये देखिए पाए हमारे अभी तैयार नहीं हैं, और ये इसकी ग्रेवी कुछ इस तरीके से है। तो अब मैं यहाँ पर लूँगी मैदा। तो यहाँ 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने मैदा लिया है, इसे हम भून लेंगे। तो इसके बाद ये देखिए मैंने जो पाए में रोगन थे इसे भी सेपरेट कर लिया है एक बोल में, और मैदा हमारा भून चुका है। तो अब हम इसकी स्लरी तैयार करेंगे और इसे हम पाए में ऐड करेंगे। तो पाए में ऐड करते ही हमें इसे फौरन ही मिक्स करना है बिना रुके। तो ये देखिए हमने सारे मैदे को मिक्स कर लिया और इसे 5 मिनट के लिए पकाया है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी ग्रेवी तैयार है। तो चलें अब हम इसे ढक लेते हैं, और ढक करके मैंने इसे 5 मिनट के लिए पका लिया। तो अब ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो अब इसे बोल में सर्व करना शुरू कर दिया है। तो ये लीजिए तैयार है पाए की बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार रेसिपी। इस तरीके से आप पाए अपने घर में बनाएं और इसे रमज़ान में बनाएं, ये आपको बेहद पसंद आएगी और आपके घर वालों को भी बेहद पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल लखनऊ का जायका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पर जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको मेरे रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैंने इसे जूलियन अदरक, हरी धनिया और सोया और हरी मिर्चों के साथ सर्व किया है। तो जी आप ये रेसिपी बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी मैं आपसे एक अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।